अभी तो तुम्हारा आज छोड़ दो ना रल छोकर बाप ओकर बाप ना रल छोकर कैमरा कैमरा को ले लेना अरे पर मशीने लाए तो हां ओकर मशीन उठा लेना कैमरा ना सात बजे घर में पड़े हुआ है रात में हुआ है घटना इसमें स्टाफ रह रहा था स्टाफ में 3 साल से यहाँ रह रहा था हम लोग रात में इसको 8 बजे खाना दे करके गए सही था कल ईद का नमाज पढ़ते हुए गला में गला हमसे मिला हर चीज किया मगर इसको 2 बजे जब चाय की दुकान पर नहीं देखा चाय वाला तो खोजने लगा इसको जो आज बूढ़ा नहीं आया महमूल तो इसीलिए इसको छानबीन किया जो कहाँ है जो देखो तब आकर के रूम खोल के इसको देखता है मरा पड़ा हुआ फांसी लटका क्या किस तरह का कंडीशन में ये मिले यही कंडीशन में सर मिला क्या लग रहा है आप लोगों को हम लोग को ये लग रहा कि बेरहम की तरह मारा गया इसको फांसी दे गया तो ये किस चीज का नौकरी कर रहे थे यहाँ इस चीज का नौकरी कर रहे थे कि टैट दुकान वाला जब घर चला जाता था कि यहाँ पर चौकीदार इसलिए कि नहीं कोई था तब मैं चौकीदारी करता था आज से नहीं 3 साल से कर रहा था इस जगह पर क्या मतलब किस चीज की दुकान है यहाँ टायर की दुकान है रिसोलिंग होती है टायर यहाँ पुराना वाला क्या नाम है पटना इसका नाम है महमूल मोहम्मद महमूल ये कहाँ के रहने वाले हैं इस सहरसा बस्ती में रहने वाले हैं आप लोगों को क्या आशंका लग रही है क्या आशंका हम लोग को ये संकल्प इसको मारा गया है सर क्या नाम है आपका मोहम्मद महमूल सहरसा बस्ती निवासी मोहम्मद महमूद की हत्या हुई है एनएच के किनारे के घर पुलिस क्या लगता है सर हत्या की वजह क्या हो सकता है अभी उस पर अनुसंधान कर रही है पुलिस हत्या की वजह क्या है किस कारण से हत्या हुई सर मृतक का जिस तरह से हाथ पैर बंधा हुआ लग रहा है इसमें जो तस्वीरें दिख रही है उसे क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर वो अग्रतर अनुसंधान में बातें आए हो सकता है मर्डर के बाद आंख पर बांधा गया हो और पुलिस को अनुसंधान में डाल सर मृतक क्या करता था मृतक अभी यहाँ गार्ड का काम कर रहे थे जहाँ पर हैं गृह मालिक ईद उल फितर पर बाहर गए हुए थे अपने घर पर तो वहीं चौकीदारी का काम गार्ड का काम कर रहे थे